दोस्तों पिछले साल असुस उनका ZenBook Duo एंड ZenBook Pro Duo ये लेके आया था. दीज वर ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट्स. जी हाँ, दो स्क्रीन के साथ पहली बार ऐसा लैपटॉप आया था जहां पे दो बड़े स्क्रीन थे एंड दैट सेकेंडरी स्क्रीन सिर्फ नाम के लिए नहीं थी, इट वॉज एक्चुअली यूजेबल. अब इसका सेकेंड जनरेशन आ गया है और हमारे पास है ZenBook Duo. जी हाँ, इनक्रेडिबल उसका जो प्रो का जो छोटा भाई है वो है. आज इसका करने वाले हैं अनबॉक्सिंग, देंगे आपको मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस, बताएंगे क्या है ये दो स्क्रीन वाला लैपटॉप. लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं. इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल एसस. ऑलराइट, बॉक्स के अंदर बॉक्स, लेट्स रिमूव दिस. Asus ZenBook Duo, nice box. और क्या है, और कुछ है अंदर? Oh, you also get a case by the way. Case भी मिलती है, which is good quality case. Satin finish वाली case लग रही है दोस्तों. Seriously quite good. मतलब laptop के साथ आपको एक अच्छी सी sleeve भी मिल जाती है, which you can carry along. याद रखिए दोस्तों, these are premium laptops. जी हाँ, and this case is also premium. Looks really nice. Okay, let's keep this aside. All right. ये है लैपटॉप. या दोस्तों, अगर आप इसके पास देखोगे, इट इज एग्जैक्टली द सेम लुक वाइज. लेकिन और क्या है बॉक्स के अंदर? ओह, दिस इज द स्टैंड. ऑलराइट, ये दोस्तों स्टैंड है बेसिकली लैपटॉप के नीचे रखने के लिए. आई विल शो यू दैट डॉक्यूमेंटेशन. ओ हो. और दोस्तों इसके अंदर स्टाइलस भी आता है, लुक एट दिस. सो यस, टच स्क्रीन है. Let's keep this aside. और क्या है? And you have power cable. 65 watt का charger आता है दोस्तों. Yeah. Let's keep this aside. मुझे देखना है laptop के पास because that is very important. Alright. Let's first talk about the build quality. Top notch दोस्तों. Seriously. This is magnesium aluminium alloy. ये जो case है total ऊपर और नीचे की तरफ. And ऊपर आपको brushed metal design मिलता है. Asymmetric circles हैं इसके ऊपर. But स्मूथ है, इट्स वेरी स्मूथ. बट आई हैव टू से फिंगरप्रिंट मैग्नेट जरूर है, यू हैव टू कीप इट क्लीन. यस, दैट्स फॉर श्योर. और दोस्तों अगर कलर के बारे में बात करूं, दिस इज सेलेस्टियल ब्लू. दोस्तों अगर नीचे की तरफ बात करूं, आपको एयर वेंट्स मिलते हैं, ये देखिए बीच में, राइट इन द मिडिल, एंड साइड में आपको स्पीकर ग्रिल्स मिलते हैं दोनों ही तरफ. ऑलराइट दोस्तों, क्विकली पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ देख लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में आपको HDMI पोर्ट मिलता है, दो थंडरबोल्ट मिलते हैं एक्सटर्नल डिस्प्ले वगैरह आपको लगाना है तो. इन द फ्रंट नहीं, कुछ नहीं है. एंड ऑन द राइट हैंड साइड USB 3.2 मिलता है, 3.5mm जैक है एंड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी है. वाओ, एंड देन उसके सामने आपको LED इंडिकेटर्स भी हैं. टाइम टू ओपन. जी हाँ, टाइम टू ओपन द लिड एंड देयर इट कम्स. लुक एट दिस दोस्तों, सीरियसली, जस्ट द लुक ऑफ इट. दो स्क्रीन्स मिलते हैं दोस्तों. एंड प्रो में जैसे आपको OLED स्क्रीन मिलती है, इसमें आपको IPS LCD स्क्रीन मिलती है. एंड स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के वगैरह बात करूं तो 93% के ऊपर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है. बट इवन विद दो स्लिम बेजल्स, ऊपर आपको एक वेबकैम मिलता है जो आजकल बहुत ज्यादा जरूरी हो गया. दोस्तों ये जो है डुओ, इसमें 14 इंच की फुल HD स्क्रीन मिलती है एंड 100% sRGB को सपोर्ट करता है. और दोस्तों जो सेकेंडरी स्क्रीन है वो 12.6 इंच की है, 1920x515 इसका रेजोल्यूशन है. सो आई विल से दैट इज आल्सो अ फुल HD स्क्रीन, स्लाइटली स्मॉलर. दोस्तों सेकेंडरी डिस्प्ले के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा, क्योंकि लास्ट ईयर का जो वर्जन था वो भी मैंने टेस्ट किया था. इनफैक्ट वी हैड गॉन टू ताइवान टू चेक इट आउट जब लॉन्च हुआ था तभी. इसमें थोड़ा डिफरेंस है, कैन यू सी दिस? सेकेंडरी डिस्प्ले जो है दोस्तों वो रेज्ड है थोड़ा. It becomes that much more usable and especially viewing angles वगैरह आप देखोगे तो बहुत ही clearly ये screen दिखती है. पहले it was flat, it was not raised, मतलब tilted नहीं था, it was flat like this. अब tilted है जिसकी वजह से दोनों भी screen बहुत ही clearly आपको दिखते हैं. और दोस्तों इसकी वजह से एक फायदा हुआ है, बेटर एयर कूलिंग, जो एयर फ्लो है ज्यादा अच्छा हुआ है, जिसकी वजह से कुछ 49% से वो कूल रहता है और भी ज्यादा कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन. दोस्तों अगर कीबोर्ड के बारे में बात करूं, यस इट लुक्स कॉम्पैक्ट, लेकिन
कीज जो है डिसेंट साइज के कीज है, ट्रैवलिंग डिस्टेंस भी अच्छा है. अगर आप फास्ट टाइपिंग करते हो यू आर गोइंग टू एंजॉय इट. थोड़ा टाइम लगेगा आपको यूज टू होने के लिए क्योंकि स्लाइटली कॉम्पैक्ट है, बट आई लव द कीज एंड द ट्रैवल डिस्टेंस. दोस्तों बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में. ये जो डुओ है इसमें दो अलग अलग वेरियंट आते हैं, एक तो इंटेल कोर i5 11th जनरेशन एंड इंटेल कोर i7 11th जनरेशन. स्टोरेज के बारे में बात करूं तो m.2 NVMe स्टोरेज आती है, विच इज वेरी वेरी फास्ट. 1 TB का स्टोरेज है एंड आई टेल यू व्हाट, हमने रीड राइट स्पीड्स टेस्ट किए दोस्तों, वेरी फास्ट. दोस्तों अगर बैटरी के बारे में बात करूं तो इसमें 70 Wh की आपको बैटरी मिलती है. Asus क्लेम करता है कि 17 hours का आपको बैकअप मिलता है, बट इवन इफ नॉट 17 hours, आराम से मेरे हिसाब से दोस्तों अगर नॉर्मल यूसेज आप करोगे 12 से 13 घंटे आपको बैकअप डेफिनेटली मिलना चाहिए. इमेजिन विद दोस टू स्क्रीन्स यू गेट दैट मच ऑफ बैकअप, दैट्स बिग. दोस्तों अगर रैम के बारे में बात करूं, 16 GB की रैम आती है इसके अंदर एंड यस डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड आता है MX 450. जी हाँ, एंड देर इज ऑल्सो वर्जन जिसमें आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड मिलता है Iris Xe. कनेक्टिविटी Wi-Fi 6 मिलता है आपको, लेटेस्ट जनरेशन Wi-Fi मिलता है एंड यस ब्लूटूथ 5.0 इज ऑल्सो देयर. वैसे दोस्तों देर इज अ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन Asus Wi-Fi Master, जो जहां पे स्ट्रॉन्ग सिग्नल है उधर वो जाता है, उधर वो कनेक्ट करता है, सो दैट यू गेट अ रिलायबल एंड कंटिन्यूस कनेक्टिविटी. यस दोस्तों ये तो हो गए हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस. वैसे दोस्तों अगर सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूं, आपको विंडोज 10 होम आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, बट द मेन थिंग अबाउट दिस लैपटॉप इज दैट सेकेंडरी स्क्रीन सही में यूजफुल है क्या. और मैंने जितनी इस्तेमाल किए, याद रखिए मैं 1 साल से इस्तेमाल कर रहा हूं, वी हैव यूज दिस लैपटॉप और अभी नेक्स्ट जनरेशन का लैपटॉप आया हुआ है. आई टेल यू वॉट, दैट सेकेंडरी स्क्रीन इज रियली बेनिफिशियल स्पेशली फॉर अ क्रिएटर. अगर आप एक क्रिएटर हो तो बहुत सारी चीजें ऐसे कर सकते हो जो आपको नॉर्मल सिंगल स्क्रीन लैपटॉप में करने को नहीं आएंगी. फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आप फोटोशॉप इस्तेमाल कर रहे हो या फिर अडोब प्रीमियर प्रो इस्तेमाल कर रहे हो वीडियो एडिटिंग के लिए. वैसे बता दूं नॉर्मल बेसिक वीडियो एडिटिंग वगैरह आराम से आप कर पाओगे इसके साथ. अगर आप प्रीमियर प्रो या फिर फोटोशॉप इस्तेमाल कर रहे हो तो सबसे ज्यादा जो फंक्शंस होते हैं, जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, वो सब आपको इधर मिलते हैं. सो You can access it very easily. और याद रखिए दोनों भी स्क्रीन्स जो है दोस्तों टच पैनल्स हैं. So just with your fingers you can control it. It becomes very easy. और हाँ, जैसे जब मैंने बॉक्स खोला दोस्तों, आपने देखा कि इसके अंदर आपको स्टाइलस भी मिलता है. So if you are doing some drawing or something, you can easily do it. और एक चीज मैंने देखी दोस्तों, बहुत सारे टच लैपटॉप्स मैंने देखे हुए, टच स्क्रीन लैपटॉप्स, थोड़ा लैग होता है. नॉट विद दिस वन, दिस इज क्वाइट रिस्पॉन्सिव. वैसे दोस्तों जैसे नॉर्मल फर्स्ट जनरेशन लैपटॉप्स में आपको हिंज मिलती है, अर्गो लिफ्ट, वो तो इसमें है ही, बट देर इज दैट एक्स्ट्रा लिफ्ट ऑफ दैट सेकेंड स्क्रीन. ये भी हिंज जो है दोस्तों, इट इज नॉट फ्लिमजी. मतलब आपको लगेगा कि भाई ये कुछ थोड़ा अलग ही दिख रहा है, बट नॉट विद दिस वन, इट रियली फील्स एंड लुक्स एंड इज स्ट्रॉन्ग. दोस्तों कुछ कुछ छोटे छोटे फीचर्स इसमें बहुत अच्छे हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपने ये जो लिड है वो 80 degrees तक बंद कर दिया तो ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस थ्रॉटल हो जाता है ताकि आपकी जो बैटरी है वो ज्यादा चले, विच आई थिंक इज अ वेरी नीट फीचर टू हैव. दूसरा एग्जांपल दोस्तों, विंडोज हेलो का फीचर आता है जहां पे यू डोंट हैव टू टाइप इन योर पासवर्ड और समथिंग. जस्ट आप लिड ओपन कीजिए, ऑटोमेटिकली विंडोज हेलो रिकॉग्नाइज करेगा विद दैट आयर ब्लास्टर विच इज देयर एंड इट ओपन इट. Makes your life easier. दोस्तों इसमें AIPT नाम का चीज आता है, Asus Intelligent Performance Technology, जो basically दोस्तों जो performance है कुछ 40% से बढ़ाता है. So intelligently they increase the performance. और हाँ, अगर thermals के बारे में बात करूँ, आप heavy कुछ कर रहे हो इधर, तो ये जो fans आए हुए हैं, अगर first generation के साथ आप compare करते हो, तो इसमें 59 blades हैं. Basically blades have been increased, जिसकी वजह से cooling और ज्यादा होती है. Alright, तो इसके बारे में मुझे क्या लगता है ZenBook Duo के बारे में, आई विल टेल यू वॉट. येस इट इज एक्सपेंसिव, ये सब चीजें आती हैं, इट कॉस्ट मनी, बट इफ यू हैव दैट मनी और अगर आप एक क्रिएटर हो, यू शुड डेफिनेटली लुक एट ZenBook Duo या फिर ZenBook Pro Duo. दोनों भी दोस्तों क्रिएटर्स के लिए प्रॉबेबली द बेस्ट लैपटॉप्स आउट देयर. वैसे दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जरूर जाके देखिएगा. अगर आपको इसके बारे में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा. दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ.